बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। जी डॉक्टर साहब, आज आप क्या क्वेश्चन पूछने लगे हैं? अच्छा, मुझे पहले आप ये बता दें कि काइंडली के मार्केट किस तरफ जा रही है और किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या प्लान करें और कैसे इससे बचें जो तूफान मार्केट में आया खड़ा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मार्केट बहुत क्रूशल एक पॉइंट को टेस्ट कर रही है, 6200 को, और 6200 बेसिकली ये उसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है, सॉरी। स्पोर्ट लेवल और हाँ, सपोर्ट लेवल है, और अगर ये जो है ना आपको इससे नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट, तो फिर अल्लाह वाला करे इसका जो नेक्स्ट है वो 59K और 57K के राउंड अबाउट आपको मार्केट मिलेगी। मीन्स अभी तो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट जो है ना बहुत एक अपनी क्रूशल पॉइंट पे है। इस पे काफ़ी सारे बंदे अपना लॉस भी करवा रहे होंगे, काफ़ी जो है ना प्रॉफिट भी ले रहे होंगे, लेकिन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो उनसे आप पता कर लें, वो सब जो है ना आजकल इनशाला प्रॉफिट में ही हैं। आज भी जो है ना काफ़ी सारे बंदों ने काफ़ी वो प्रॉफिट किया है। तो जी डॉक्टर साहब, शॉर्ट मारा है, बेसिकली शॉर्ट हाँ मार के बेसिकली प्रॉफिट कमाया है। बेसिकली आजकल हम ज़्यादातर शॉर्ट की सिग्नल दे रहे हैं, तो जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये हमने कल कुछ शॉर्ट के अच्छा, सिग्नल दिए थे एक अपने। जी कल जी कल हमने एक वीडियो में कल हमने एक वीडियो में भी बताया था कि नेट सोल को आप शॉर्ट मार दें, और नेट सोल का हमने हाँ लेवल जी बताया था कि 99 जैसे ही विंडो में आए 100 से नीचे तो आप शॉर्ट मार दें, तो 97 उसने अपना लो लगाया आज। और इसी तरह बिल्कुल दो इसी चार लाइन शेयर में। और भी थे, तो वीडियोस में भी हम लोगों ने काफी बता दिया था। अच्छा, कैरी ऑन। अच्छा, अब जिस तरह हमने यहाँ पे शॉर्ट के सिग्नल्स दिए थे, ये आज का सिग्नल था हमारा एलपीजीएल का। ये आप देख सकते हैं कि जो है ना इसकी कल करंट प्राइस क्या थी, और आज जो है ना ये हमने इसको कहा था कि यहाँ पे आपने इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, लेकिन ये इससे भी नीचे गया है, ये 22 पे गया है। मीन्स कि ये तकरीबन आज जो है ना -6.6 समथिंग ये चल रहा था, और उसके बाद आज जो है ना हमने लॉन्ग के भी सिग्नल दिए थे, वो GATM का हमने सॉरी PIA का आज हमने दिया था, और आप PIA को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी लेवल से जो है ना ये वापस हुआ है। मीन्स कि हमारे सिग्नल की एक्यूरेसी इतनी है, हमारे सिग्नल की नहीं, बेसिकली हमारे जो AI का एल्गोरिथम है ये उसकी एक्यूरेसी है। और उसके बाद फिर जो है ना हम टाइम टू टाइम अपने व्यूवर्स को सब्सक्राइबर्स को बताते भी रहते हैं कि यार अब जो है ना अब इस तरह आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। अब जिस तरह हम रोज सुबह सुबह ग्राफिक शेयर करते होते हैं उनपे, जो कि मार्केट का एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है जो हमारा ये एल्गोरिथम हमें जनरेट करके देता होता है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती होती है हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि वो जो है ना अपनी नेक्स्ट ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा अच्छा, वो ग्राफ्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने कल का एक ग्राफ दिया था इधर, ये कल फर्स्ट हाफ का ग्राफ था। ये हमने 9:56 मतलब 10 बजे तकरीबन जो है ना इसको हमने दिया था, और हमने बताया था कि यार ये इस तरह मार्केट बिहेव करेगी, और ये कल का एग्जैक्टली ग्राफ, इसी जी जी ये कल का ग्राफ है। कल पहले तो सेशन का 9:30 से लेकर 12:30 तक, जी जी साढ़े 9 से 12:30 का ये कल का ग्राफ है, ये एग्जैक्ट वही और है, ये एग्जैक्ट वही है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन का ग्राफ दिया था, ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन हमने उससे पहले अपने व्यूवर्स को सबको जो है ना होल्ड पे कर दिया था कि यार अभी ना करना, थोड़ी देर रुक जाओ जरा। तो ये हमने 2:30 बजे ग्राफ दिया था, और आप इसको देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता ये नीचे आ रहा है, और मार्केट भी इसी तरह आस्ता आस्ता नीचे आई, और उसमें नेगेटिव क्लोज हुई थी कल मार्केट। तो ये फिर आज का ग्राफ था, आज आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये ना आज का ग्राफ बहुत प्यारा ग्राफ है। मतलब कि पहले मार्केट ने हाई लगाया अपना, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो नीचे आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, एंड देन 12:30 तक वो नीचे आई, थोड़ी सी मतलब नीचे बिल्कुल आई। बिल्कुल बिल्कुल ये जिस तरह हमारे AI ने प्रिडिक्ट किया था कि यार ये इस तरह का ग्राफ होगा, ये बिल्कुल उसी तरह जो है ना मार्केट ने बिहेव किया है। अच्छा, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। हाँ, जी जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये हमने बताया था कि तकरीबन इस विंडो में जो है ना इस टाइम फ्रेम में ये अपने इस लेवल पर पहुंचेगी, सबसे लो इसमें इस लेवल पे तकरीबन लगाएगी। हाँ तो ये जो है ना आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन इसने 11:15 के लगभग इसने यहाँ पे अपना लो लगाया था। हाँ तो अच्छा, ये अब जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि अब लोग जो है ना काफी सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, काफी सारे मैसेजेस भी कर रहे थे यार ये जो है ना सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमारा AI एल्गोरिथम जो है ना बिल्कुल इसके ऑपोजिट कह रहा था, कि वो कह रहा था कि बिल्कुल एंड पे आके तो मार्केट ने एक जो है ना लंबा डिप मारना है,
और ज्यादा डाउनफॉल आना है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ एग्जैक्टली है। मार्केट ने इसी तरह बिहेव किया। अब ये देखें 3 से 3:30 के दरमियान आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3:05 से 3:10 के दरमियान ये मार्केट नीचे आना शुरू हो पड़ी और इसने जो है ना 204 पॉइंट्स लूज किए और फिर हल्की सी ऊपर 170 पे आके तो इसने क्लोजिंग दे दी और 170 पॉइंट नेगेटिव आज क्लोज हुई है। मीन्स के हमारे इस ग्राफ को भी उसने एग्जैक्टली फॉलो किया है। तो इससे ये होता है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको जिस टाइम टाइमली ये पता चल जाता होता है इसका, तो वो काफी हद तक जो है ना अपनी ट्रेड वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, यार मैं अब जो है ना इस तरह की ट्रेड लूंगा तो ये मुझे ज्यादा फायदा होगा, अब इस तरह की ट्रेड लूंगा तो ये मुझे ज्यादा फायदा होगा। जी ठीक डॉक्टर है। अच्छा आप मुझे काइंडली आप ये बता दें कि क्योंकि हमारी वीडियो का नाम है क्या बाय करें और क्या होल्ड करें, सो मुझे जी, दो तीन स्क्रिप्ट बता दें जो कि ज्यादा बेनिफिशियल हो फ्यूचर के लिए, और अगर वो 1-2 मंथ उसको रख लें तो क्या बेनिफिट हो सकता है उन्हें ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये हाँ हाँ वीक हाँ एटलीस्ट नेक्स्ट वीक 2 वीक्स 3 वीक्स मतलब के लॉन्ग के लिए, ये नहीं है कि आप अभी लॉन्ग उठा टर्म लेंगे तो आप रहोगे, ठीक हो आपने गया। उठाना इतना कि एकोमुलेशन करनी है, ये नहीं है कि एकदम उठा के बैठ जाए और कहें जी आज ही ऊपर चला जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, एकोमुलेशन के ऊपर जाना है आपने। ये हमने डे ट्रेड का नहीं बता रहे, हम अकोमोलेशन का बता रहे हैं, इसी तरह ही है। हाँ अच्छा हाँ ऐसे ही उसमें सबसे मजे का एक जो है ना मैं आपको बताता हूँ अभी, एक है हमारे पास पीपीएल, इसको आप बाय कर सकते हैं। पीपीएल आपको तकरीबन जो है ना कल या इन नियर इन दीज डेज जो है ना ये आपको मिलेगा 120 तक का, आप एक बाय इस पे कर लें, एक जो है ना 123 कल जैसे ही खुले एक बाय आप उस पे कर लें, तो ये इंशाल्लाह जो है ना ये अच्छा शेयर है, ये फ्रेश रखें इसको, बैठ बैठे हैं जी इसको रखें मतलब के। अच्छा जी जी इसको रखें, ये जो है ना अपने प्रेशर वगैरह से निकल आया है और ये उम्मीद है ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो है ना AGSML, अच्छा जी AGSML ये इसने जो है ना पिछले कुछ 4-5 दिनों में काफी जो है ना लोगों को लॉस वगैरह कराया है, और नहीं, लेकिन ये लॉस मैं किधर आज कराया, दोबारा 7.6 7.6 से 7.1 हुआ है, लॉस तो नहीं है। मतलब कि जो है ना जिन्होंने बाय किया हुआ था कुछ लोग जो हमें फॉलो नहीं करते, हमने जो हमें फॉलो करते थे उन्हें तो साथ साथ टाइमली बताते रहते हैं, जो हमें नहीं करते वो जो है ना ये वैसे भी इसको 2-3 महीने के लिए है, ये कौन सा कोई 1 दिन के लिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो अच्छा अब मैं इस जो एक शेयर है ना इसको मैं कहूंगा कि ये व्हाइट गोल्ड है ये शेयर, ठीक है व्हाइट गोल्ड क्यों कहूंगा, क्योंकि ये आपका जो है ना पैसा जिसे कहते हैं ये डबल करेगा, ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको भी आप बाय करें। ये कल तकरीबन आपको जो है ना कल या इन दीज डेज आपको इस वीक में जो है ना ये मिलेगा तकरीबन 6.95, एक बाइंग उस पर कर लें और एक अभी बाइंग बाय कर लें, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आप एक और कौन सा शेयर था, हाँ गनी, गनी बेसिकली ये जो है ना अभी अपने सोलिडेशन स्टेट के अंदर है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा ये वाला, और इनशाला जो है ना इसको ये आपको एक अच्छा इन नियर फ्यूचर आपको अच्छा एक गेन देगा ये गनी भी। जी डॉक्टर साहब अच्छा कित क्या प्राइस कर रही है इसकी करंट, इसकी 160.33, 150 149 to 151 आई थिंक इसका बाय लेवल बनता है, तो हाँ इतना ही तकरीबन बाय लेवल है इसका। इसमें देख सकते हैं। चलो ठीक है बस यही है। ठीक हो गया जी सर, अल्लाह हाफिज, व्यूवर्स अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।